सहारा इंडिया प्रबंधक वादनी को 30,000 रुपये में ब्याज के दे। दोस्तों, ये बड़ी खबर नैनीताल से है और नैनीताल की ये खबर हिंदुस्तान टीम नैनीताल के द्वारा हमारे पास आई है, जिसमें लिखा हुआ है कि उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष यूएस बनियाल और वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र परगई की फोरम से सहारा इंडिया प्रबंधक को आदेश दिया है कि यह ततलीताल नैनीताल निवासी, जी हाँ दोस्तों, ततलीताल जगह है और नैनीताल निवासी वादनी को उनकी मूल धनराशि 30,000 का 9% ब्याज के साथ भुगतान करे तथा परिवादी व्यय के रूप में 5,000 रुपया भी दे। तल्लीताल क्लर्क क्वार्टर निवासी रतन ज्योति पत्नी हरवर्धन की ओर से फोरम में दर्ज वाद में कहा है कि 2 अक्टूबर 2011 को उसने सहारा इंडिया की तल्लीताल शाखा में 500 रुपये प्रति माह की आरडी खुलवाई। सितंबर 2016 में उक्त आरडी परिपक्वता हुई पूरी जब हुई तो उसमें 30,000 रुपये जमा किए जा चुके थे। वादी ने फोरम से उनकी मूलधन राशि, अनुमान्य ब्याज तथा मानसिक वेदना के लिए 10 परिवाद व्यय के लिए 5,000 रुपये दिलाने का वादा प्रस्तुत किया। या दोस्तों, इनमें जो उपभोक्ता फोरम की तरफ से ऑर्डर किया गया वो ये किया गया कि 2016 में जो आरडी पूरी की गई थी, जिसके 30,000 रुपये जमा किए जा चुके थे, वादी को फौरन मूल भुगतान सहित उसको पैसा दिया जाए और वाद विवाद में जो मानसिक परेशानी उन्हें हुई उसका परिवादी को 5,000 रुपये अलग से दावा देने का, जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा ऑर्डर दिया गया। इसके बाद फोरम ने सहारा प्रबंधक को आदेश दिए कि वादनी की मूल धनराशि 30,000 का 9% ब्याज के साथ भुगतान करे तथा वादी वाद वाय के 5,000 रुपये अलग से दे। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको एसटी न्यूज चैनल से दी जा रही है। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितने इस वक्त केस उपभोक्ता फोरम के द्वारा दिए जा रहे हैं और उनमें पैसे देने का फरमान दिया जा रहा था, क्या दोस्तों ये पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? दोस्तों, इसकी पुष्टि हमें, आपको अगर किसी निवेशक को मिला हो तो दोस्तों हमारी पुष्टि के लिए अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं क्या वाकई उपभोक्ता फोरम के आदेश पर पैसा सहारा इंडिया के ब्रांचों से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।